आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी 25 सितंबर को आयोजित होने वाले रीवा के गौरव दिवस और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले जनसेवा कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कलेक्टर ने सभी को निर्देश भी जारी किए हैं। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर जनसेवा कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन जिले के हर ब्लॉक में किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी बैठक आज ली गई है। इस दौरान सभी ब्लॉक प्रमुखों को रक्तदान शिविर का आयोजन व्यवस्थित तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर सभी ब्लॉक प्रमुखों ने पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आश्वस्त किया है। वहीं आगामी 25 सितंबर को रीवा जिले में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि इसी दिन बालसागर परियोजना का पानी नहरों के माध्यम से पहली बार रीवा जिले में प्रवेश किया था, जिसके चलते आज रीवा जिला हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसलिए इस दिवस को रीवा जिले के गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी, जबकि आगामी दिनों में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और एनजीओ की बैठक ली जाएगी, जिससे कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक मनोरंजन सहित अन्य प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस प्रभारी मंत्री जी ने नियत किया है। ये वो दिन है जब बाणसागर से पहली बार बाणसागर का पानी रीवा जिले में प्रवेश किया था और उसके कारण रीवा जिले में जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज इसके लिए बैठक की गई है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजन इसमें करेंगे, उसके बारे में आपको पीआरओ के माध्यम से हम विस्तार से जानकारी भी देंगे। आज सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ और जो सांस्कृतिक लोग हैं नगर के उनके साथ और जो एनजीओज हैं उनके साथ भी हम लोग इसकी बैठक करेंगे। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जनसेवा का जो विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया है, उस पर जिला मुख्यालय में भी और अन्य तिथियों में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज उसकी बैठक की गई है और सभी ने आश्वस्त किया है कि काफ़ी अच्छा रक्तदान शिविर आयोजित होगा। जो जिला मुख्यालय का है ये ऑडिटोरियम के सामने वाले हिस्से में होगा, इसके अलावा विभिन्न विकास खंडों में भी बीएमओ साहब आप लोगों को जगह बता देंगे कि जहाँ पर इसका किया जाएगा। कोई टारगेट नहीं है, पिछली बार भी हम लोगों ने कोई टारगेट नहीं रखा। ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें कि स्वेच्छा से आपको रक्तदान करना है और ये ज़रूर हम कहेंगे कि रक्तदान करना न केवल आपका सामाजिक कर्तव्य है बल्कि रक्तदान करना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।